या 13 फरवरी डॉक्टर बन गई हैं, डॉक्टर तो सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत दिली हायत दिल से थैंक यू भाई। थैंक यू बोलना चाहूँगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, कि जब हम यहाँ तक पहुँच गए होते हैं, हाँ यहाँ तक पहुँचे डॉक्टर बन गए, कमाल है, कैसे कर दिया आपने ऐसे। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत थी, उसके पीछे जो इनका संघर्ष था, वो किसी ने देखा नहीं है। जो देखा है तो आज वो उसको खुशी हो रही है, जैसे फहमी दापा है, खान साहब है, हम लोग ने, हमने इनका संघर्ष देखा है, कैसे लड़के आगे बढ़ी है, हर 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 सारे से लड़के आगे बढ़ी है, समाज से, लोगों से, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से, और सबसे ये आगे बढ़ी हुई है। तो आज जो इनको जो मिला है फिल्म प्रोडक्शन एंड सोशल एक्टिविटीज के लिए, डॉक्टर डॉक्टर इरम आफ्ताब फरीदी का किताब, तो मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल बोलना चाहूँगा, और ये डिज़र्व करती है, क्योंकि इसके पीछे फहमीदा पुर ने कहा, जो जो उन्होंने इनिशिएटिव किए हुए हैं, आई साइन सिग्नेचर, 1000 2000 आज लोग साइन करना सीखे हैं, और अभी और भी ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसके बाद में वुमेंस हेल्थ इनिशिएटिव, जो वुमेंस के इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वुमेंस के हेल्थ के लिए, जो लोग एक एज के बाद में बहुत तकलीफ़ में आते हैं और वो अपने हेल्थ पे केयर नहीं करते, तो वो पूरा प्रोग्रामिंग इन्होंने पूरा सेट किया हुआ है। और जैसे इन्होंने कहते हैं कि अगर वुमेन, एक औरत जो होती है संसार में कैप्टन होती है शिप की, अगर वो सही रहेगी तो पूरा घर सही चलता है। तो आज जो इन्होंने जो मुहिम की हुई, और आज उस मुहिम पे वर्कआउट हो रहा है इनके अंडर में, कम से कम समाज और भी लोग इनके इनिशिएटिव फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते हुए आगे लेके जा रहे हैं, तो ये एक पहल करते हैं और लोग इनको पहल को आगे लेके जाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग जो सोशल में वो कर रहे हैं। उसके बाद में इनका जो एसिड विक्टम था, जो एसिड विक्टम के बारे में इन्होंने जब जाना, मालूम पड़ा, तो इन्होंने उनका डोनेशन के लिए, उनके आगे स्टडीज़ के लिए कैसे करना चाहिए, कि इनको कुछ काम मिले, काम कैसे मिले, क्या मिले, तो उसका भी वर्कआउट चल रहा है। और उसके बाद में जो हमारा एक इनिशिएटिव था मेंटल हेल्थ, वुमेन्स मेंटल हेल्थ, कोई भी मेंटल हेल्थ, कि इन्होंने समाज में एक अवेयरनेस की है कि मेंटल हेल्थ जो होता है वो हम पागल नहीं होते, वो एक मेंटल हेल्थ एक डिजीज़ होती है जो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम करती है, जैसे स्ट्रेस हो गया, ये हो गया, तो इसको पहले हम कैसे इसको इस पर वर्कआउट कर सके, इसके फर्स्ट स्टेप्स कैसे होते हैं। हर इंसान को आज स्ट्रेस से जूझ रहा है, हर बीमारी से जूझ रहा है, और हर बीमारी की जड़ जो होती है वो मेंटल स्ट्रेस होती है, तो उससे कैसे अवेयरनेस किया जाए, तो भी इनका अवेयरनेस है। और उसके बाद अभी जो ये जो अपना ओल्ड एज केयर इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया हुआ है, उसमें भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्कआउट किए कि ये लोग जो कुछ लोग जो डिमेंशिया के थ्रू और अपने घर भूल जाते हैं, रोड पे भटक तो उनको लेके आ जाता है, तो ये क्यों करते हैं, तो ये हेल्थ मेंटल हेल्थ केयर इनिशिएटिव और वुमेंस ओल्ड एज केयर इनिशिएटिव साथ में मिला के इस पर ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप सोचिए समाज के ये जो मेन टॉपिक्स को लेके ये जो वर्कआउट कर रहे हैं, और नेक्स्ट हमारा भी आने वाला है और बहुत बड़ा टॉपिक आ रहा है, साइबर क्राइम पे हम लोग एक अवेयरनेस टॉपिक यूज करने वाले हैं, जो भी समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे मुद्दों को लेके चलने वालों को डॉक्टर डिग्री मिलना ज़रूरी है और ऑनरेबल डिग्री मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कार्यक्रम के पीछे जो मेहनत लगी है, जो सोच लगी है, जो संघर्ष किया हुआ है, वो सब इस चीज़ की मेहनत का इनको फल मिला हुआ है। और फिल्म की प्रोडक्शन के लिए भी बता रहा हूँ मैं, इन्होंने जो संघर्ष किया है कि आज फिल्म बनाना इजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत फाइनेंस फंडिंग लगता है, बहुत लगता है, उस चीज़ों को भी करना इट्स नॉट खाने का काम नहीं होता है। तो इनकी हिम्मत, इनकी मेहनत और इनका जो होता है ना, हम कर सकते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये कर सकते हैं तो और लोग भी कर सकते हैं, बस उसको हिम्मत करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा ये बोले कि आज मैं देख रहा हूँ समाज में हम लोग इतना काउंसलिंग करते हैं, लोग सिर्फ एक आंसर सुनते निकाल देते हैं, कोई हिम्मत नहीं करता, कोई आगे बाता नहीं है, आगे हम लेके आना चाहते हैं पीछे बैकअप कर लेते हैं। फहमी दा आपको भी ये चीज़ पता है कि कितने लोग बैकअप कर लेते हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताइए कि हिम्मत कैसी रखें और कैसा निडर होकर आगे कहें कि आपके केस में लोग पीछे डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और कैसे जो आगे बढ़ता है लोग उसके साथ में ही रहते हैं। मैं इसका आंसर दूँ, मैं चाहती हूँ फैज अली वागले जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, देन आई वांट टू यू नो गिव सो मेनी आंसर, क्योंकि जुनैद भाई ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। तो डॉक्टर इरम फरीदी अभी से राइट, बट आई नो दैट इरम जो आई थिंक 7 ईयर्स पहले हम लोग मिले थे, सिर्फ इरम को जानता था मैं वो टाइम पे, आज वो इरम डॉक्टर फरीदी हो गई है, डॉक्टर इरम फरीदी हो गई है। एंड आई स्टिल आई नो कि मैं कई बार जब मेरी बात हुई थी जब स्टार्टिंग में मिले थे, तो उसने कहा था मैं कानपुर से आई हूँ, तो मैं एक छोटे शहर से आई हूँ,
और आज मुंबई में इतने लाइक इतने बड़े सिटी में, यू कैन से बिग सिटी, यू कैन से बहुत बड़ी सिटी है, ग्लैमर वर्ल्ड जो भी है या जिसको कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ मुंबई, उसमें सर्वाइव करके फ्रॉम सो मेनी ईयर्स वो इस मुकाम पे पहुंची है एंड शी अर्नड दैट विद दिस पोजीशन. आई नो दिस इरम फॉर लॉन्ग टाइम कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को ना परफेक्टली कर रही थी. तो हमेशा इस बात में मेरी बहस बोलती थी, से कह रही इतने इतने क्या ज़रूरत है कब करने की, तो चीज़ और नहीं यार, जब तक मेरा परफेक्शन मेरा खुद नहीं मन नहीं बोले ना कि ये नहीं कर, परफेक्ट नहीं है, मैं सामने हो कि आप यू नो ये कर पाऊँगी. तो आज मेरे को कुछ चीज़ समझ में आ रही कि वाइश और चीज़ों को ये रिपीटली करती थी कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है. आई एम हैप्पी कि अब आज उसको मिला है डॉक्टर का जो बहुत बड़ी उपाधि है, जो भी एक एक बड़ी जिम्मेदारी है डॉक्टर इरम फरीदी से. मैं क्या बोलता हूँ, जिसने बहुत बहुत मुबारक हो तुमको. ये खुशी के आंसू है जो आनी चाहिए, जो जायज़ है, ज़रूरी है. पिछला साल तो मेरा बहुत बुरा था, मैं केस भी लड़ रही थी, ऐसी जंजाल में फंसी थी कि शायद मैं आप सबके सामने नहीं होती, जिंदा नहीं होती. पूरी कोशिश की गई थी कि मैं ख़त्म हो जाऊं, क्योंकि यहाँ हमारे मुंबई में ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, जो ऐसी औरतों को ढूंढते हैं जो इंडिपेंडेंट हों. मेरे साथ भी यही किया गया और मुझे कुछ सी चीज़ में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं फोकस थी कहा हमेशा से, मैं डरी नहीं, मैं सहमी नहीं, मैंने फ़ाइट की. बहुत लड़कियों के साथ गलत हुआ था, बट वो बेचारी उठ के आ नहीं पाई आगे. मैंने ये चीज़ ली, मैंने ये ठानी कि मैं ज़रूर इस बात पे आगे जाऊंगी और मैं न्याय मांगूंगी. और बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई पुलिस का, मुंबई महाराष्ट्र सरकार का भी, कि उन्होंने मुझे मेरा न्याय दिलवाया और इतनी हिम्मत दिलवाई कि मैं आज आपके सामने बैठकर अपनी बातें रख पा रही हूँ. बहुत मुश्किल होता है, आप सोचिए एक लड़की अपने एक सिटी से आई हो जो मुंबई तक हमें पहुंचने में हमारी आधी उम्र गुजर जाती है, हम जैसे लोगों की. उत्तर यूपी, बिहार, एमपी, कितने बेचारे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, यहाँ तक आते हैं. उनके साथ क्या होता है कि जो प्रवासी राइट चाहिए, प्रवासी लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो भी आते हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं पता है और वो क्या करते हैं, ऐसा ही कुछ क्राइम करते हैं और मेरी जैसी लड़कियां फंस सकती थी, बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैं डटी रही और मुझे न्याय मिला. और जब उस चीज़ से निकली तो मैं ऐसे आगे गई कि एक कदम पीछे करके मैंने जो छलांग लगाई है वो इतनी अच्छी, इतनी बड़ी छलांग है कि मैं इतना कुछ कर पाई हूँ. मैंने केस भी लड़ा, मैंने फिल्में भी बनाई, मैंने सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ किया, मैंने इनिशिएटिव्स भी लिए. तो शायद उस सब का कहते हैं ना मिक्स होके जो आया है वो एक डॉक्टरेट डिग्री के रूप में मेरे लिए आया है. सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से मुझे नवाजा गया है, डॉक्टरेट डिग्री से मुझे नवाजा गया है, जिसमें मेरे किए गए फिल्म प्रोडक्शन एंड सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा मैंने इतने सारे काम किए हैं. तो वो जो ये ओहदा मिला है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेरी जिम्मेदारी, मैंने कहा ना, मेरी बढ़ गई है और मैं अभी खाली बैठती हूँ ना तो मैं मेरा दिमाग मशीन ही हो गया आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना, मैं रुकना नहीं चाहती, मैं ज़मीन पे ही चलना चाहती, उड़ना नहीं चाहती, मैं ज़मीन पे चल के काम करना चाहती हूँ और लोगों का हाथ में हाथ लेकर, अपने लोगों का, कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए. हमारी कंपनी इरम्स एंटरटेनमेंट जो फिल्में बना रही है, जो इश्यूज़ लेकर आती है, प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये जो टाइम आया है इसी टाइम का, इसी वक्त का इंतज़ार था. लोग कहते हैं इरम प्लीज़ रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो. मैं कहती हूँ यही वक्त के लिए मैंने इतने सदियों से इंतज़ार किया. तो बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, जिन्हें भाई ने पूछा कि कैसे किया मैंने, मुझे नहीं मालूम, शायद मेरी माँ की दी हुई वो ताकत थी और मेरे ही अपनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, आप सब ने सपोर्ट किया कि मैं यहाँ पे अपनी बात रख पा रही हूँ आज. और मैं लड़कियों के लिए भी यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ लड़कियों, तुम लोग डरो नहीं, क्योंकि अगर तुम सही हो ना तुम्हें कोई नहीं हरा सकता. और वही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot.